द स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। द स्मार्ट स्कूल हम सबका स्कूल है। द स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सारे? चलें जी, आज हम अपना लेसन शुरू करते हैं। सारे बच्चे अपनी उर्दू की स्मार्ट उर्दू की अमली किताब ओपन करेंगे, ठीक है? स्मार्ट उर्दू की अमली किताब मियाद अव्वल टर्म वन की बुक। ओके जी, ओपन करें पेज नंबर 48। पेज नंबर 48। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे तारीख लिखेंगे, यानी कि डेट राइट करें। उसके बाद दिन का नाम, दिनों के नाम आप सबको आते हैं, इसलिए आप यहाँ पे नीट दिन का नाम लिखें, ठीक है? टॉपिक है हमारे पास फलों के नाम। फलों के नाम आज हमारे पास हैं दो और फल हैं, ठीक है? तरबूज, अमरूद। तरबूज, अमरूद, यहाँ पे आप तरबूज के पहले तोड़ लिखें। यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए ऊपर लिखा हुआ है, आपने सेम ऐसे इसको कॉपी करना है, ठीक है? तरबूज के, और उसके बाद फिर इन्हीं तोड़ को जब हमने जोड़ा तो यहाँ पे तरबूज का पूरा नाम आ गया, ठीक है? आपने यहाँ तरबूज पूरा लिखना है। उसके बाद है अमरूद, यहाँ पे अमरूद के तोड़ दिए गए हैं, और उसके बाद इन तोड़ को जोड़ के यहाँ पर अमरूद का जो वर्ड है वो पूरा हमारे पास आ गया, ठीक है? यहाँ पे आपने थ्री लाइन्स के ऊपर तोड़ लिखने हैं, उसके बाद जोड़। अब इसमें आपने ये जो पिक्चर है फलों की, उसमें आप कलर करेंगे। तरबूज, ये वाला जो तरबूज है जो कंप्लीट है, मतलब उसको काटा नहीं गया हुआ, ठीक है? इसमें आप ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर करेंगे, और ये जो हाफ है इसमें आप रेड कलर करेंगे, ठीक है? यहाँ पर ग्रीन और अंदर रेड। आप सबको पता है कि जो तरबूज होता है वो बाहर से ग्रीन होता है और अंदर से रेड होता है, ठीक है? यहाँ पे हरा रंग करेंगे और यहाँ पे लाल, ठीक है? अब अमरूद आ गया, अमरूद में आप सारे ग्रीन कलर करेंगे, यहाँ पे लाइट करना है उसको, ठीक है? ज़्यादा डार्क नहीं करना, जो पत्ता है उसमें आप डार्क करोगे और जो अमरूद है उसमें लाइट ग्रीन कलर करोगे, ठीक है? चलें, अब मैं आपको तरबूज और अमरूद के तोड़ जोड़ सिखाती हूँ। हमारे पास उन्मान, आपको पता है उन्मान फलों के नाम। यहाँ पे पहले आप जो फल है हमारे पास उनकी तस्वीर बनाएंगे, ठीक है? तरबूज ओवल शेप में, आपने जो पूरा तरबूज है उसको ओवल शेप में बनाना है, ठीक है? यहाँ से आपने मेरे से ज़्यादा अच्छी ड्राइंग करनी है, ठीक है? उसके बाद ये हमारे पास हो गया हाफ, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है? इसका एक पीस। उसके बाद है हमारे पास अमरूद, थोड़ा सा यहाँ से अमरूद, ठीक है? अब आप इसके तोड़ लिखेंगे, यहाँ पे पहले तोड़ और यहाँ पे एंड पे उसका पूरा जो तरबूज का नाम है वो लिखेंगे। यहाँ से लिखना शुरू करें। तरबूज में हमारे पास पहला जो पहली आवाज़ है वो है ते की, ते, त, ते की आदि शक्ल, तर, तर। ते के बाद हमारे पास कौन सी आवाज़ आ रही है आपको? तर, रे, रे, ठीक है? रे, रे की आदि शक्ल नहीं होती इसलिए हम पूरा रे लिखेंगे। ते, रे, तर। बूज, अब हमारे पास है बे की आवाज़, ब, बू, ब, बे की आदि शक्ल, बू। बे के साथ कौन सी आवाज़ है? वाओ, वाओ भी हम पूरा लिखेंगे क्योंकि इसकी भी आदि शक्ल नहीं होती, और एंड पे पूरा
जे। एक दफा पढ़ें, ते रे तर बे वाओ बू जे तरबूज। ठीक है, ते रे तर बे वाओ बू जे तरबूज। अब आपने इनको कैसे जोड़ना है, सबको पता है। सबसे पहले हम फर्स्ट टू जो हरफ होते हैं उनको जोड़ते हैं। ठीक है, ते और रे को जोड़ें, ये हो गई हमारे पास ते की आधी शक्ल। इसको आपने लाइन से थोड़ा सा ऊपर करके लिखना है। ठीक है, और उसके साथ ये हमने क्या जोड़ा, रे, ते रे तर। उसके बाद है बे वाओ, बे को भी आपने लाइन से ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपने लाइन से थोड़ा सा जब ऊपर लिखा, उसके साथ हम वाओ वाओ जोड़ेंगे ऐसे, बे वाओ भू, और एंड पे जो जे है वो ऐसे ही आ जाएगा, तरबूज। ते रे तर बे वाओ भू जे तरबूज। ओके, अब आते हैं दूसरे फल की तरफ। दूसरा हमारे पास है हमारे पास अमरूद। अमरूद सबको पता है, अलिफ से अमरूद शुरू होता है। ठीक है, आवाज़ भी आपको आवाज़ से भी पता चल रहा है कि अमरूद, अमरूद के अलिफ की आवाज़ है। अलिफ की भी आधी शक्ल नहीं होती, तो हम पूरा अलिफ लिखेंगे, उसके बाद मीम अम, अलिफ मीम अम रूद, मीम के बाद रे की आवाज़ अमरूद, रे के बाद वाओ, और वाओ के बाद अमरूद, एंड पे हमारे पास आवाज़ है दाल की। ठीक है, अमरूद, अलिफ मीम अम रे वाओ रू दाल अमरूद, अलिफ मीम अम रे वाओ रू दाल अमरूद। ओके, यहाँ पे हम इन तोड़ को जोड़ के लिखते हैं। जब अलिफ हमारे पास पहले आता है तो हम उसको किसी अगले वाला जो हमारे पास हर्फ होता है उसके साथ नहीं जोड़ते। ठीक है, उसको अलग से लिखते हैं। अगर एंड पे हमारे पास अलिफ आएगा तो उसको हम उससे पहले आने वाले हर्फ के साथ जोड़ते हैं, लेकिन जब पहले हो तो फिर नहीं जोड़ेंगे, फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे, अलिफ, उसके बाद है मीम और रे। अब हम मीम और रे को जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप मीम की आधी शक्ल, ये भी आपने लाइन से थोड़ी सी ऊपर रखनी है, क्योंकि दो लफ्ज़ हैं तो जब आपके पास स्पेस होगी तो फिर ही आप अच्छे से लिख सकोगे। ठीक है, लाइन से ऊपर लिखें मीम, और मीम के साथ रे, ये देखें रे, रे के बाद वाओ, वाओ हम ऐसे लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और दाल, दाल को भी हम आपस में नहीं जोड़ेंगे, ये बन गया अमरूद। अब देखें ज़रा, अलिफ मीम अम रे वाओ रू दाल अमरूद। एक दफ़ा फिर पढ़ें, तेरे तर बे वाओ बू जे तरबूज, अलिफ मीम अम रे वाओ रू दाल अमरूद। अब आपने क्या करना है कि ये जो मैंने पिक्चर्स बनाई है ना, आपने ऐसे सेम ट्राई करना है। ठीक है, अपने जो टीयर ऑफ पैड है आपने उस पर ड्राइंग करनी है इन फलों की। ठीक है, जो पहले मैंने दो फल आपको सिखाए हैं लिखने, वो भी उनके साथ आपने नाम भी लिखना है। ठीक है, सारे फोर आपके पास हैं, चार फल हैं, चारों फल ड्रॉ करें और उनके नीचे उनके नाम लिखें। नाम आपने कैसे लिखने, पहले लिखना सीखें, फिर आप खुद से लिखोगे। ठीक है, फिर आप देख के नहीं लिखोगे उनके नाम। चलें, यहाँ पे आपने तरबूज में ग्रीन और रेड कलर करने हैं, यानी कि हरा और लाल, और जो अमरूद है उसमें आपने हरा रंग करना है, यानी कि ग्रीन कलर। अब हम कायदा पढ़ते हैं अपना। सारे बच्चे अपना उर्दू का कायदा ले आए अपने पास। ठीक है, चलें, स्मार्ट उर्दू का कायदा, स्मार्ट उर्दू का कायदा, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16। पिछली वीडियो में हमने इस पेज की
पहली दो लाइंस जो थी वो पढ़ी थी, अब हम जो बाकी हमारा पेज है हमारे पास, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड लाइन से शुरू करें। उन्वान है चार हर्फी अल्फाज पढ़िए। ये टू लाइंस आप पढ़ चुके हैं ना, तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। चे अलिफ चा चाचा, चे अलिफ चा, चे अलिफ चा चाचा, चे अलिफ चा, रे अलिफ रा चारा, चे अलिफ चा, रे अलिफ रा चारा, सीन अलिफ सा, रे अलिफ रा सारा, सीन अलिफ सा, रे अलिफ रा सारा, मीम अलिफ मा, रे अलिफ रा मारा, मीम अलिफ मा, रे अलिफ रा मारा, काफ अलिफ का, टे अलिफ टा काटा, काफ अलिफ का, टे अलिफ टा काटा, लाम अलिफ ला, ये अलिफ या लाया, लाम अलिफ ला, ये अलिफ या लाया, टे अलिफ ता, ये अलिफ या ताया, टे अलिफ ता, ये अलिफ या ताया, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा दादा, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा दादा। चलें जी, अब हम जो दो हमारे पास जुमले नीचे लिखे हुए हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। बे अलिफ बा बाबा, अलिफ मद आ हमज़ा बढ़िए ए आए बाबा आए, बे अलिफ बा जीम अलिफ जा बाजा, लाम अलिफ ला हमज़ा बढ़िए ए लाए, बाबा आए बाजा लाए। ये देखें बाबा नज़र आ रहा है ना आपको, उनके हाथ में क्या है बाबा के, बाजा। बाबा आए बाजा लाए। चे अलिफ चा, चे अलिफ चा चाचा, चे अलिफ चा, चे अलिफ चा चाचा, नून बढ़िए ने, चे अलिफ चा, रे अलिफ रा चारा, चे अलिफ चा, रे अलिफ रा चारा, काफ अलिफ का, टे अलिफ टा काटा, चाचा ने चारा काटा, चाचा ने चारा काटा। अब आप इस फुल पेज की दोबारा से दोहराई करेंगे, ठीक है, और अच्छे से याद करना है ताकि आपको भूले ना। अब और वर्कबुक पे भी आपने फलों के नाम जो है वो नीट लिखने, और उसके बाद जब आपके चारों जो फलों के नाम है वो कंप्लीट हो गए हैं तो आप इसको बार बार अपनी रफ़ नोटबुक पे भी लिख के ट्राई कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।